तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और आज मैं नाश्ते में नमकीन दलिया बना रही हूँ, जिसमें लौकी चाहिए, टमाटर और हरी मिर्च मेरे पास जो है मैं वही उसी में बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और मैं वो दलिया उसमें क्या कहती ऑयल में नहीं और दलिया में ही घी में छौंकूँगी। और इसमें तड़का बस जीरे का और हींग का, हल्की सी हींग डालूँगी। और आज दलिया मतलब काफ़ी दिन से दलिया नहीं बना था, इसलिए मैंने आज कहा चलो दलिया नाश्ते में बना लेती हूँ। और वैसे भी गुड़िया को भी डॉक्टर ने कुछ लिक्विड सा बताया है कि मतलब हल्का रोटी वगैरह नहीं खानी है अभी इसको, और क्या कहते हैं, और मेरे भी हल्का हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने कहा चलो, ये बोले कि नमकीन दलिया बना लो, काफ़ी दिन से तुमने नमकीन दलिया नहीं बनाया। वैसे इसमें और भी सब्ज़ियाँ आप डाल सकते हो, आपके पास अगर जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, ये भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो था मैं उसी में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हींग डालूँगी और जीरा डालूंगी, जीरा बस हल्का सा चटके, और आपको हींग हरी मिर्च और टमाटर डाल देने हैं। और इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, जैसे धनिया है सूखी, बस हल्दी आप हल्की सी डाल सकते हैं, हल्दी और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं, टमाटर हल्का सा बस पक जाए, फिर इसके बाद मैं लौकी डाल दूंगी और लौकी भी थोड़ी देर चला के फिर साथ के साथ दलिया, और दलिया चला के थोड़ा सा, और दलिया तो पहले ही भूंज के मतलब रखते हैं ज़्यादातर लोग, तो जिसका मतलब जिनका नहीं मतलब जो लोग भूंज के नहीं रखते हैं वो अपना भूंज लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सारी मतलब स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने दलिया पहले ही भून के रखा हुआ है मेरा, क्योंकि अगर भूंज के ना रखो ना तो उसमें मतलब कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। और फिर मेरा मतलब मैं घर से लेके आती हूँ दलिया, तो काफ़ी थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, तो फिर मैं भूंज के रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लौकी लौकी तो पहले ही डाल दी थी। लौकी चलाने के बाद फिर मैंने ना थोड़ी सी हल्दी डाली है, हल्दी मैंने पहले इसलिए नहीं डाली कि हल्दी आप पहले डाल दो तेल में तो हल्दी जल जाती है, फिर उसका कोई वो नहीं रहता तत्व, तो मैंने बाद में हल्दी डाली। और हल्दी को चला के थोड़ी देर चलाने के बाद ही फिर मैंने ये दलिया डाला। और ये दलिया थोड़ा सा मैंने एक बार ही इसको पानी में धो लिया था इसका ऊपर का, क्योंकि मुझे ना थोड़ा जैसे धूप में डालती हूँ कभी कभी मैं दलिया, तो मुझे ऐसा रहता है कहीं धूप मतलब डालने से ये मतलब डाल दो आप धूप में तो ये कहीं धूल मिट्टी ना उड़ के कुछ गिर ना गया हो, तो एक बार ही मैं इसको पानी से निकाल देती हूँ। और बस साथ के साथ अब मैं नमक डालूँगी यहाँ पर और इसको चला दूँगी, और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालती हूँ इसमें, इससे ना काली मिर्च से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस इसको आप एक दो बारी चला दो, और जैसे धनिया पत्ती वगैरह है और डाल दो वो डाल दो। यहाँ पे मैंने ये पानी डाल दिया, पानी थोड़ा अच्छे से डालूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, वो थोड़ा सा मतलब सूखा ना रहे, थोड़ा सा ये गीला रहे। और यहाँ पे मैं ये ढक्कन अभी नहीं लगाऊंगी, इसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि ढक्कन अगर आप पहले से लगा दो ना तो इस कभी कभी दलिया जैसे सीटी आती है तो दलिया निकल सा जाता है बाहर, तो मैंने ढक्कन बाद में ही लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा दलिया बन के तैयार है, देखिए कितना अच्छा दलिया बना है। आ जाइए आप लोग भी, किस किस को दलिया पसंद है कमेंट करके बताना ज़रूर। और यहाँ पे मैंने दलिया निकाल दिया थाली में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और ये खा के निकलेंगे मार्केट। और मेरा सब मैंने भी नाश्ता कर लिया है, बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया। और यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि आज मुझे चादर वगैरह धोनी है, और वैसे बाकी छोटे वगैरह छोटे छोटे कपड़े तो मैंने कल धो लिए थे, और ये बेडशीट मैं बाद मतलब मैंने कल नहीं लगाई थी, आज मैंने सोचा आज बेडशीट निकाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। और यहाँ पे मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना तो वो मैंने तह लगा के तो रख दिए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि अंदर इनको कवर्ड में रख दें, तो चलो मैं इनको भी कवर्ड में रख देती हूँ सारे कपड़े उठा के, ये नहीं बच्चे ये सारी तह बिगाड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है, लेकिन अभी मुझे बेडशीट वगैरह बिछानी है, ये देखिए। और मेरा ना ये कपड़े मैं ना कवर्ड में रख दूँगी, और मेरे ना आपने देखा होगा मेरे गद्दे पर कवर नहीं है, मैंने अभी ख़रीदे नहीं है, क्योंकि ये बेड ना मैंने अभी नया ख़रीदा है, इसलिए मैंने अभी ये कवर नहीं ख़रीदे गद्दे के। आप लोग सजेस्ट करना कि कैसे क्या ख़रीदूँ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है इतना। और यहाँ पे मैं ये वहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई, क्योंकि मैं सोचा चलो ये दलिया वगैरह मैं खाली करके किचन भी समेट लेती हूँ, और यहाँ साथ के साथ मैं सारे बर्तन भी निपटा दूँगी, इसके बाद मुझे पोछा वगैरह करना है।
और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है और बच्चों ने भी नहा लिया है। बस ये सृष्टि का ना बैग गंदा हो गया था और इनकी छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो मैंने कहा लाओ इसको साथ के साथ इसको धो के रख देती हूँ। और इनके शूज़ वगैरह भी मुझे धोने हैं, ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो अब ये स्कूल वगैरह नहीं जा रही हैं, लाओ ये भी काम निपटा देती हूँ। और मुझे ये आज बाथरूम में मुझे धोना है, ये वाला मैं बाथरूम भी की आज साफ़ सफाई कर दूँगी। आज ये तीनों काम मेरे अच्छे से मैं निपटा दूँगी, आज तीनों काम। ये और यहाँ पे मैं ये अच्छे से टाइल्स वगैरह रगड़ देती हूँ। बैग तो मेरे धुल गए हैं, शूज़ भी मैंने धो दिए हैं और ये टाइल्स धो देती हूँ अच्छे से। और वैसे भी आज मुझे लंच में कुछ ज़्यादा विशेष बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग मैं पुलाव वगैरह बना दूँ, कह रही नहीं मम्मा मुझे पुलाव खाने का मन नहीं हो रहा है। और क्योंकि सृष्टि ना दो दिन से वही मीठा खा रही है और ये शेक वगैरह पी रही है, आइसक्रीम वगैरह बताई थी डॉक्टर ने इसको, तो वही खा रही है। तो कह रही थी नहीं मम्मा मुझे ये सब नहीं खानी आज, तो हम लोग मैगी खाएंगे। तो हमने कहा चलो मेरे लिए तो रखा है, मेरे लिए एक कटोरी रात की खिचड़ी भी रखी है और दलिया भी बच गया है, तो मेरे लिए तो हो जाएगा दोपहर का। और चलो ये इन लोगों को मैं दोपहर में मैगी बना दूंगी। तो यहाँ पे इनकी एक शर्ट भी रखी थी, वो काफ़ी सॉफ्ट कपड़े की है, तो मैंने उसको ना मशीन में नहीं डाला, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मशीन में ये ख़राब हो जाए, और मैंने इसलिए इसको हाथ से ही धो दिया। मैंने कहा लाओ इसको भी साथ के साथ धो देती हूँ, नहीं फिर ये रह जाएगी। और यहाँ पर मैं ये फ़र्श वगैरह भी अच्छे से रगड़ दूँगी। और मेरा ये बाथरूम आज अच्छे से ही मतलब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी तो मौका मिलता नहीं है, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया है, ये बस मैं ये बेडशीट और जो मैंने शूज़ वगैरह धोए हैं ना वो मैं सब धूप में डाल के आऊँगी। ये बेडशीट वगैरह थोड़ी मोटी होती हैं तो अभी की धूप लग जाएगी तो सही रहेगा, और शूज़ वगैरह भी सूख जाएंगे कि उन्हें इनको तो अच्छी सी धूप चाहिए। और यहाँ पर मेरे ये कपड़े मतलब बेडशीट वगैरह सारी धुल गई हैं, बस मैं इनको ऊपर डाल आती हूँ। और यहाँ पे मैं ये कपड़े डालने आ गई ऊपर, और आज ना नगर परिषद वाली जो गाड़ी आती है ना कूड़ा लेने वाली वो भी नहीं आई है, पता नहीं आज आएगी कि नहीं आएगी। और ये कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई, मैं जब छत पे ही थी तभी आ गई, मैं जल्दी जल्दी नीचे आई और मैंने कूड़ा फटाफट फेंका, क्योंकि ना घर में अगर कूड़ा रखा रहे ना तो एक इरिटेशन सी होती है। और यहाँ पे ये सृष्टि मैगी बना रही है, मैंने इससे कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ, कहती नहीं मम्मा मैगी तो मैं बनाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है आप बना लो मैगी, और बच्चे जानते ही हैं मैगी बनाना कि कैसे बनानी होती है, फटाफट पानी चढ़ाओ पैकेट घोल काट के उस डाल दो, बस मैगी बन गई। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, और मेरा सारा काम हो गया है और बस ये पार्सल आ गया था, तो मैंने कहा खोल के दिखाती हूँ आपको। और ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, एकदम से पार्सल वाला आया कि आपका कुरियर है, तो मैंने कहा मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, बोले आप मैंने कहा किसके नाम से आया है, बोले रण विजय के नाम से आया है। तो मैंने कहा मैंने इनको फोन किया कि आपने क्या मंगाया है, मैंने तो कोई चीज़ मंगाई नहीं, तो बोले तुम उसे ले लो मैंने मंगाया है, बस खोल के देख लेना उसको क्या मंगाया है, तुम्हारे मतलब का सामान है। मैंने कहा मेरे मतलब का, बोले हाँ। मैंने कहा चलो, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 599 रुपीज़, और वो उन्होंने वहीं से अपना ऑनलाइन कर दिया था पेमेंट, और बस मैंने इसको रिसीव कर लिया। अब मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाती हूँ इसमें है क्या, अभी मुझे पता नहीं है इसमें क्या है। ये है, अब मैं तो खोल नहीं, ये आप देख लीजिए।
ये आप देखिए बस अभी ये स्लाइड आपको अभी बनाई हुई है ऐसे लगता है जिसमें नहीं है अभी आप बना लीजिए ये स्लाइड में अभी बनाना है ये ऐसा मैं ऐसे कर दूंगा तो ये बनाई है। और इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग, कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।